जो चैप्टर कंसाइनमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम के अंदर लगभग एवरी अटेम्प्ट के अंदर 10 नंबर क्वेश्चन रहता है कंसाइनमेंट, और इवन ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये चैप्टर आएगा फर्स्ट ईयर के, 12th पे पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, है ना। अब जैसे हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट की, अगर मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट, सबसे पहले बताओ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कंसाइन। कंसाइन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंसाइन वर्ड कहीं सुना है आप लोग? कुरियर की स्लिप पे देखोगे ना तो हमेशा आपको देगा कंसाइनर एड्रेस, और कुरियर की कभी भी आप कोई स्लिप देखोगे ना तो हमेशा आपको कभी स्पीड या कभी भी आपको हमेशा दो वर्ड दिखेंगे, कंसाइनर और कंसाइन। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस सेंडिंग द, मीनिंग ऑफ वर्ड कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो ए और बी ये दो अलग अलग लोकेशन, The word consignment means process of sending goods by one person known as consignor, another person known as consignor. Consignment word का मतलब होता है goods भेजना, कहाँ से? Consignor goods भेजता है इसको, consignee को। अब क्या होता है, एक बहुत simple, इसको ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों करते हैं वो समझना। समझ लो मिस्टर ए इज लोकेटेड इन जयपुर। अब मिस्टर ए जयपुर के बिजनेस और अपना बिजनेस जयपुर में कैरी ऑन कर रहा है, मान लो ट्रेडिंग आइटम्स का बिजनेस, अज्यूम करो वो कोई स्टेशनरी बिजनेस या पेन की ट्रेडिंग करता है, ये पेन का डीलर है, मान लो इस पेन का डीलर है। अब मिस्टर ए क्या करता है, अपने लेवल पे जयपुर उसके आसपास के एरिया बहुत अच्छे से कवर, बट मिस्टर ए सोचता है मेरे बिजनेस को ग्रो करना चाहिए और लगभग लगभग आज मान लो तो लगा जयपुर हो गया, उदयपुर हुआ, अहमदाबाद हुआ, सब जगह मेरा पेन बिक। लेकिन अब मिस्टर ए के साथ एक सबसे बड़ा कंस्टेंट ये है कि मिस्टर ए हर जगह जाके खुद नहीं, अपने आसपास के 5-7 किलोमीटर का रेडियस तो आराम से मैनेज कर लेते हैं, आउटस्कर्ट मैनेज कर लेते, बट उसको लगता है यार मेरे को उदयपुर में भी सामान बेचना है, अहमदाबाद भी बेचना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया मेरा सामान बिकना। तो मिस्टर ए ने क्या करा, अपने अलग अलग डिलीवरी लोकेशन पे एजेंट अपॉइंट कर, जैसे मान लो उसने उदयपुर में अपना एक एजेंट अपॉइंट कर कि आप मेरे बिहाफ पे सामान बेचने, मैं आपको सामान भेज दूंगा मार्केट में आप बेच दें और जो भी सेल होगा मेरे को बिलोंग करेगा, आप मेरे लिए काम करें। तो मिस्टर ए ने क्या किया, बी को अपॉइंट किया लेट्स से अहमदाबाद लोकेशन और ये बोला बी को कि आपका जिम्मेदारी है कि मैं आपको जो सामान भेजूंगा वो आपको मार्केट में क्या करना है, सेल करना है, बट जो भी सेल होगा उसका पैसा मेरे को ही बिलोंग करेगा, जो भी रिस्क है वो सारी रिस्क मेरी है, रिस्क किसकी है? बोले आपका तो काम है सिर्फ सामान बेचना और जो आप सामान बेचोगे उस पर आपको क्या मिल जाएगा, कमीशन। आप सामान बेचोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस सेल पे कोई भी खर्चा होगा, मान लो आपको कस्टमर के वहां तक ले जाने का खर्चा हुआ, तो आपको लेट से रेलवे स्टेशन जाने तक अपने गोडाउन तक लाने का कुछ खर्चा हुआ, सब मैं पे करूंगा, आपको टेंशन नहीं, आपका सिर्फ काम ये कि आपको सामान बेचना है मार्केट, वट एवर इज द कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड, इसकी कोई भी रिस्क है वो पूरी मेरी है, कल से मान लो कोई बैड डेट हो गया वो भी मेरा है, कोई खर्चे हैं वो भी मेरे हैं, कॉस्ट है तो भी मेरा है, प्रॉफिट है तो भी मेरा, आपका सिर्फ ये काम है कि इस सामान को मार्केट में सेल आउट करना है, जिसके बदले में आपको क्या मिलेगा, अच्छा सामान बेचोगे तो अच्छा कमीशन मिलेगा, कम बेचोगे। अब मिस्टर ए मान लो 1000 पेन को सेंड करता है, 200 पेन बच जाते हैं, 1000 पेन में से मान लो बी ने 800 बेच दिए और 200 बच गए, तो 200 पेन का जो स्टॉक है वो भी ए को बिलोंग, बी का कोई लेना देना नहीं, भले फिजिकली बी के पास पड़ा है बट किसकी बुक्स में आएगा, मतलब सब कुछ जिम्मेदारी ए की है। अब यहां पर ये जो ए है ना इसको हम बोलते हैं कंसाइनर, तो क्या बोलते हैं, और ये जो बी है ना बच्चों इसको बोलते हैं कंसाइनी, क्या बोलते हैं। तो कंसाइनमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है कि इट ऑफ सेंडिंग द गुड्स, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गुड हैं बाय वन पर्सन नोन एज कंसाइनर टू अनदर पर्सन नोन एज साइनी। द
वर्ड कंसाइनमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय अ पर्सन नोन एज कंसाइनर टू अनदर पर्सन नोन एज कंसाइनी. ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड विल बी ऑफ कंसाइनर. और कंसाइनी को सिर्फ क्या करना है, सेल, बदले में क्या मिलेगा उसको. यही बात समझ में. तो कंसाइनमेंट मीनिंग देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय कंसाइनर टू कंसाइनी. गुड्स टू बी सोल्ड बाय कंसाइनी फॉर एग्रीड कमीशन कंसाइनी बेचेगा एक पट. एंड ऑल एक्सपेंस रिलेटिंग टू सेल बी बोर्न बाय कंसाइनर. सारे खर्चे कौन बेयर करेगा? पर्सन गुड्स सेंड कर रहा है, तो पर्सन गुड्स को रिसीव कर रहा है, कंसाइनी. तो पर्सन गुड्स बेच रहा है उसको कहते हैं कंसाइनर. भेज रहा है मतलब है, कंसाइनर रिसीव कर रहा है. तो कोई मैं कंसाइनी हूँ, क्या मिल रहा है बताओ? वो एक परसेंटेज सेल का. एनी डाउट? अब है ना, अब आप एक बात समझ, इसे अज्यूम करो. अब यहाँ पे ध्यान से सुन, कॉपी कर लिया सबने? ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनना. जैसे मान लो ए ने सामान भेजा बी को, बोला भैया ये सामान मार्केट में, और तुम जितना अच्छा सेल करोगे उतना क्या मिलेगा. अब मान लो ए ने क्या किया, 5,000 पेन भिजवाए थे और बोल दिया भैया एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपए. 5,000 पेन भिजवाए और एक पेन की कॉस्ट क्या है? 10 रुपए. और बी को ऐसा बोला कि देखो कॉस्ट तो 10 रुपए, बट इसको मार्केट में अपने को बेचना है 13 रुपए पे. 10 रुपए की बट बेचना कितने पे? 13 पे. 10 है बट बेचना 13 रुपए. और जितनी ज्यादा तुम सेल करोगे उतना तुमको अच्छा क्या मिलेगा? कमीशन. अब बी किससे लिंक्ड है? डायरेक्टली कस्टमर से बी लिंक्ड है, पर ए को तो पता ही नहीं कौन है. अब बी ने ऐसा बोला कि चलो मैं सेल को बढ़ाने के लिए, मैं सेल को बढ़ाने के लिए, अरे मैं सेल को बढ़ाने के लिए सारी सेल मान लो करता हूं, किस पे सेल होगी? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप क्रेडिट जीरो कर दो, क्रेडिट जीरो करो तो सेल कम होगी ना. क्रेडिट 30 डे करोगे सेल बढ़ेगी, 60 दिन क्रेडिट करोगे तो और सेल बढ़ेगी, 90 दिन करोगे और ना क्रेडिट बढ़ाओगे उतनी सेल अच्छी होगी ना आपकी. और जनरल फंडा ट्रेड का पीने का, ठीक है काम करो, सबको 90 दिन का क्रेडिट मिलेगा. सबको कितने दिन का क्रेडिट मिलेगा? 90 दिन का. अब बी ने बोला भैया 5,000 पेन भेजे थे ए ने, और बी ने सिस्टम क्या डाल दिया, क्रेडिट लो. अब एक बंदा बोलता है भैया 60 दिन, एक बंदा आया बोले 60 दिन में 2,000 पेन उठाऊंगा एक साथ,
दिन का दोगे तो 5,000 पेन पूरे उठा लूंगा मैं, अगर तुम तो 90 दिन का लेके जाओ 5,000 पेन बिकेंगे। कोई बी ए ने बी को बोला था कि आपका जो कमीशन होगा ना वो 10% का हो, तो बी ने सेल कर दी 5,000 × 13 6.5 लाख रुपए की सेल करी और 10% के हिसाब से। ए को बोला मेरा कितना कमीशन बनता है, बोला कमीशन। अब मान लो 90 दिन के बाद जब पैसा रिकवरी करने गए, पार्टी ने पेमेंट को डिफॉल्ट कर दिया, तो पार्टी ने पेमेंट को डिफॉल्ट किया, अल्टीमेट बताओ लॉस किसका हो गया। अब ए को लॉस एक तो सेल का भी हुआ और कमीशन और गया, लेकिन बी ने तो टेंडेंसी बना ली क्या, क्रेडिट पे सामान बेचो, क्रेडिट बेचो तो बढ़िया कमीशन बनता है, सेल ही तो बढ़ानी है, करना क्या। तो अब ए ने यहाँ पर बी को बोला कि यार आप सिर्फ क्रेडिट पे सामान बेच बेच के सेल बढ़ा रहे हो तो हमारा लॉस हो रहा है, आप तो क्रेडिट सेल क्रेडिट पीरियड बढ़ाते जा रहे हो, सेल बढ़ती जा रही है, मेरा कमीशन भी बनता जा रहा है बट पैसा तो आ ही नहीं रहा। तो ए ने बी को ऐसा बोला कि देखो जो कमीशन है ना, जो कमीशन की कैटेगरी है, कंसाइनमेंट के अंदर दो तरह कमीशन होता है, एक तो कमीशन होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। कमीशन कौन सा कैटेगरी होता है, सामान उधार पे बेचे किस पे बेचे बी को इतना परसेंटेज कमीशन, और एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं स्पेशल कमीशन। और ये जो स्पेशल कमीशन है वापस दो पार्ट में डिवाइडेड, एक तो होता है जिसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग और एक होता है जिसको हम कहते हैं डेल क्रेडर। जो कमीशन था, अगर आपने बी को बोला भैया तेरे को तो 10% कमीशन मिलेगा और वो कमीशन कौन सा होगा, ऑर्डिनरी, फिर बैड डेट कुछ भी हो वो ए ही बियर करता रहेगा, बी कोई लेना देना नहीं, उधार पे सामान बेचे कुछ भी करे ए का कोई लेना, रिस्क ऑफ बैड डेट वो कंसाइनर बियर करेगा। लेकिन अगर आपने बी को ऐसा बोला कि तेरे को 10% कमीशन मिलेगा बट उसका नेचर क्या होगा, डेल क्रेडर, आपने बी को देखो 10% कमीशन मिलेगा बट नेचर क्या होगा, तो इसका मतलब बैड डेट की जो रिस्क है वो बी के पास है, फिर ए नहीं बियर करेगा अगर उसको डेल क्रेडर कमीशन मिल रहा है। मतलब ये ध्यान रखना, जब भी कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन मिलता, डेल क्रेडर कमीशन इज पेड फॉर बियरिंग द रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट। डेल क्रेडर कमीशन सिर्फ क्यों पे होता है कि बैड डेट की रिस्क कौन बियर कर ले, कंसाइनी, वो कंसाइनर बियर नहीं करेगा अगर डेल क्रेडर पे हो रहा है तो। डेल क्रेडर के नाम से नहीं हो रहा है, ऑर्डिनरी कमीशन के नाम से हो रहा है, तो बैड डेट कौन बियर करेगा, यही बियर करेगा। ये बात समझ में। तो द कमीशन विच इज पेबल टू कंसाइनी is divided into two parts. The first part is known as ordinary commission, जो एक आपकी सेल है उसके fixed percentage पे pay हो जाए। And the second part is known as special commission. उस special commission में पहला category है डेल क्रेडर, which is payable only to bear the risk on account of bad debts. यही बात समझ में। अब आप एक बात समझ, ये customer ने मान लो payment नहीं किया, और पेमेंट नहीं किया एक कारण था, मान लो कस्टमर क्या हो गया, लेट्स से इंसॉल्वेंट, तो वो बैड डेट रियल बैड डेट है और बियर कौन करेगा, क्योंकि बी को बोला कि भैया तुमको देख के सामान बेच। लेकिन मान लो आपने बी ने सामान बेचा और कस्टमर ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया बट कारण इंसॉल्वेंसी नहीं है, बोलता है भैया पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट की है, पेमेंट पूरा नहीं दूंगा, आपने जो मेरे को पेन दिए वो पुअर क्वालिटी है और वो काम के नहीं है, चलते नहीं है ढंग से वो। अब अगर उन पेन की क्वालिटी पुअर है और डिफॉल्ट इसलिए हो रहा है, इस केस में भले ही बी को डेल क्रेडर कमीशन मिल रहा है, वो भी बैड डेट बी बियर नहीं करेगा, फिर वो बैड डेट कौन बियर करेगा। मतलब अगर बैड डेट इज प्योरली ड्यू सॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, देन even if the consignee is getting Dell creditor, will bear the bad debt risk. But अगर bad debt का कारण कुछ और है other than insolvency, मान लो product की quality poor है, तो payment नहीं आ रहा है, तो भले ही consignee को Dell creditor मिल रहा हो, उसके बावजूद bad debt वो bear नहीं करेगा, bad debt कौन bear करेगा? ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपको true false में पूछ जाता है, कि bad debt is due to insolvency
एंड कंसाइनी इज गेटिंग डेल क्रेडिट, कंसाइनी को बेयर करना है, बट बैड डेट इज ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कंसाइनी इज गेटिंग डेल क्रेडिट, तो भी वो बेयर। भाई बात समझ। अब आप एक बात समझना, अपन ने बी को ऐसा बोला कि भैया तेरे को प्रोडक्ट बेचना है 13 रुपए पे और तेरे को एक पेन पे कमीशन मिलेगा 2 रुपए का, ना बेचेगा उस पे कितना कमीशन मिलेगा 2 रुपए का। अब बी ने अपना एफर्ट डाला और एफर्ट डाल के बी ने ऐसा बोला, ठीक है यार मेरे को पेन की सेलिंग प्राइस का टारगेट कितना दिया 6 रुपए, बट मैं थोड़ा सा एफर्ट डालता हूँ, और बी ये एफर्ट डाल के 13 की चीज को कोशिश करता है 15 पे बेचने का। इन्हें तो बोला कितने बेच देना 13 पे, ज्यादा एफर्ट मत करना, बट बी ने थोड़ा सा और एफर्ट डाला और कितने बेचा 15, बट बी को पता कमीशन तो वो कहा 2 रुपए, ये मैं 1000 पेन बेचूंगा 13 पे बेचूं तब भी 2 रुपए मिलेगा, 15 बेचूं तब भी 2 रुपए मिलेगा, एक्स्ट्रा फायदा क्या है, तो बेचूं ज्यादा पे 15 भी देगा, बोले तू 13 ही दे मेरे को नीचे, मेरे को कमीशन तो फिक्स है। तो अब यहां ए ने बी को एक और कंडीशन दे दी, देखो चलिए सेलिंग प्राइस कितनी चलती है, बट आपने अपने लेवल कुछ एफर्ट डाले और मान लो इस प्राइस के ऊपर सामान को बेच, तो मैं आपको जो आप एक्स्ट्रा प्राइस पे बेच रहे ना उस पे कुछ हायर प्राइस पे जो बेचा है आपने उसका मैं आपको कुछ और कमीशन दे दूंगा। एक स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस से अगर ऊपर पे बेच दोगे, मैंने आपको बोला 13 आपने बेचा कितने पे 15 पे, तो मैं आपको और कमीशन दे दूंगा 2 रुपए जो एक्स्ट्रा मार्जिन उस पे कमीशन और मिल जाएगा। वो कमीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा कमीशन पेबल फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ओवर एंड अबव द सेलिंग प्राइस, वो कहलाता है ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग टाइप। स्पेशल में वापस डेल क्रेडिटर एंड ओवरराइडिंग, स्पेशल कमीशन में दो पार्ट बना लेना, डेल क्रेडिटर एंड ओवरराइडिंग। टाइप्स ऑफ कमीशन ऑर्डिनरी स्पेशल, स्पेशल में वापस दो पार्ट बना देना, डेल क्रेडिटर एंड ओवरराइडिंग। अब नेक्स्ट लाइन लिखो, द डेल क्रेडिटर कमीशन, नेक्स्ट लाइन में लिखना द डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड, द डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड कंसाइनी टू बियर द रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स, ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स, ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स ड्यू टू insolvency of the customer, only due to insolvency of the customer, only due to insolvency of customer, मतलब जब consignee को Dell creditor मिल रहा है तो bad debt की risk कौन bear करेगा, consignee। फिर देखो next line में, the overriding commission is paid, overriding commission is paid whenever the consignee sells the goods at a price above specified selling price, the price above specified selling price, तो एक particular price के ऊपर भी बेचोगे कौन सा मिलेगा overriding, ठीक है इसको अब कल से करते हैं, कल मैं लगभग सारे concept cover कर दूंगा consignment, कल छुट्टी मत लेना, कल मैं सारे concept समझा दूंगा consignment, ठीक है ना, thank you all of you।